ओ थाने निवणी करू वो बारंबारी, थाने निवणी करू वो बारंबारी, करने जी मारी अज जी सो। जी ने वचन दियो मां गडरे नी बिलगा, बीका जी ने वचन दियो मां गडरे नी बिलगा, बीका जी ने वचन दियो मां गडरे नी बिलगा, भवानी गडरे नी बिलगाई मावड़ी वो गडरे नी बिलगा। ओ जी देश नो किरो भवन चुना लो, देश नो किरो भवन चुना लो, बीकानो शहर बसायो रे जगदम्बा मारी अज जी सुनो। मुल्तान के में करबाई रोजा, देखो जी मुल्तान के में करबाई सारोजा, देखो जी मुल्तान के में करबाई सारोजा, भवानी करबाई सारोजा, करबाई सारो क्या करबाई सारोजा। अक्सर मैं इस बात को निश्चित रूप से कहने का प्रयास करता हूं कि आपके बीकानेर जिले में पूगल है खाजूवाला के बीच में, जहां सुगुना भाई का ससुराल हुआ करता था, उसी गांव के एक भाटी सिरदार थे जिनका नाम था राव शेखोजी भाटी।
जब दुनिया में वो थे, करणी माता थी, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि करणी कुछ शक्ति है। कई लोग उनको कहते थे कि देखो इतना बड़ा चमत्कार है, मातेश्वरी का साक्षात रूप इस धरती पर आया है, लेकिन राव शेखो जी इस बात से सहमत नहीं होते थे। उनका मानना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं। समय अपनी गति से चलता रहा, पहले जमीन के लिए झगड़े हुआ करते थे, गायों के लिए झगड़े हुआ करते थे, अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध हुआ करते थे, और ऐसी बात में एक बार मुल्तान और राव शेखो जी के बीच में अनबन हो गई। मुल्तान सिंध प्रांत में, आजकल यानी पाकिस्तान में, और मुल्तान की फौजा राव शेखो जी पर वार चढ़ गई, युद्ध हुआ। उसी दिन राव शेखो जी के घर में उनकी बेटी की बारात आनी थी, उसी दिन युद्ध हो गया, राव शेखो जी हार गए। मुल्तान का राजा दे फौजा जो थी वे ने हुक्म दियो और राव शेखो जी ने बंदी बना और जेल में बंद कर दिया। पूरे जीवन भर तक जिस व्यक्ति ने नहीं माना, लेकिन जब ऐसी मुश्किल आई तो उनके मन में एक भाव आया कि मैं एक बार इस बात का प्रयास तो करूं, फिर बाद में यदि नहीं है तो मैं तो नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हो ही हूं। और उसी समय राव शेखो जी ने मातेश्वरी को विनती की, बोले मां आज राव शेखो हार गयो, और यदि तू शक्ति को रूप है, यदि वास्तव में आप शक्ति अवतार हो, तो आज भगत याद करे मातेश्वरी, पधारो